सीरियल नमक इश्क में बहुत ही इंटरेस्टिंग अप ट्विस्ट दिखाया जाएगा, क्योंकि सोमवार का एपिसोड होगा बेहद खास, क्योंकि इस दिन आप देखेंगे कि कहानी अपने प्यार के लिए, अपने पति के लिए बहुत कुछ करते हुए दिखाई देगी, जहां उसका हक छीन लिया गया, बिना सोचे समझे उसके हक को दे दिया गया गुंजन को। गुंजन जिसके साथ शादी तो नहीं हुई, साथ फेरे तो नहीं लिए गए, उसकी मांग तो नहीं भरी गई, लेकिन यहाँ पर गुंजन की जिद की वजह से युग ने उसे मंगलसूत्र जरूर पहना दिया। अब आपको बताएं कि इस मंगलसूत्र पहनने के बाद गुंजन तो बिल्कुल पत्नी की तरह ही बिहेव करना चाह रही है, लेकिन यहाँ भी कहानी टस से मस नहीं हो रही है। जहाँ कहानी और गुंजन दोनों युग को ढूंढने गए थे और युग को कोई और नहीं बल्कि कहानी ने ही ढूंढ निकाला था, लेकिन सोमवार के एपिसोड में देखेंगे कि सभी के सामने गुंजन युग को लेकर घर के अंदर आएगी, क्योंकि गुंजन यहाँ पर धोखे से युग को अपने पास ले लेगी। युग यहाँ बेहोश सा होगा और उसके बाद जैसे ही गुंजन युग को लेकर अंदर आएगी तो घर वाले खुश हो जाएंगे कि गुंजन आखिर युग को ढूंढ ली, लेकिन युग को तो ढूंढा कहानी ने। अब यहाँ पर इरावती गुंजन को यानी अपनी बेटी को कहती है कि युग को अपने कमरे में लेकर जाओ, लेकिन यहाँ पर कहानी पीछे से आ जाती है और कहती है कि रुकिए, क्योंकि ये नहीं जाएंगे गुंजन के साथ। इरावती कहती है क्यों, गुंजन इसकी पत्नी है, युग ने इसे मंगलसूत्र पहनाया है, इसलिए युग जो है गुंजन के कमरे में ही रहेगा। अब जो है यहाँ पर कहानी जो है वो काफ़ी गुस्से में होती है और कहती है कि कमरे में क्या, तुम सीढ़ी तक इसे लेकर दिखाओ तो मैं मान जाऊँ। यानी कि यहाँ पर धमकी देती है कहानी गुंजन को और कहती है कि ये कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरे रूम में मेरे साथ ही रहेंगे। यानी कि युग एक और उसे पाने के लिए दो की होड़, और यहाँ पर गुंजन के साथ फैमिली है, लेकिन कहानी यहाँ पर अपने बलबूते पर खड़ी है कि वो अपने पति को गुंजन के साथ नहीं जाने देगी। पत्नी का पूरा हक कहानी अदा कर रही है। अब देखना दिलचस्प होता है कि कहानी तो पत्नी के हक को अदा कर रही है, लेकिन क्या युग जो है, जो कि नशे की हाल में ये कह चुका है आई लव यू कहानी, वो होश में आने के बाद कहानी को पत्नी का दर्जा दे पाएगा या नहीं। हालांकि वो तो शुरू से उसे पत्नी का दर्जा नहीं दे रहा है, बस देखना ये है कि गुंजन और कहानी में युग किसे चुनता है।